नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में है आपका स्वागत। तो फ्रेंड्स, आदमी यहां पर देखने वाले हैं वो हो जाता है बीकॉम थर्ड ईयर वालों के रहने वाला है, वो हो जाता है अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। किसका मॉडल पेपर रहने वाला है भाई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रहने वाला है, मतलब इट्स इंफॉर्मेशन इन बिजनेस। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट, देखते हैं हमारा 2022 का जो मॉडल पेपर रहने वाला है कौन सा। 2022 में जो एग्जाम में हमारे आने वाले हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर का हो जाता है, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल छपा हुआ देखने को मिलेगा, वो हो जाता है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी क्या है, इसके उपयोग, सूचना क्रांति क्या है, इसकी व्याख्या कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किसी को नोट्स डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसके पास बुक है वो आप टेक लगा सकते हैं आपके बुक में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, वो जाता है बेतार तथा सैटेलाइट कम्युनिकेशन की उपयोगिता आपको बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना हो जाता है, और हेडिंग पर तो फोकस देना ही देना है, बिना हेडिंग के थ्योरी नहीं लिखना है, ये बात आपको माइंड में फिक्स कर लेना है। और इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार करना है एग्जाम में लड़ने के लिए, है ना, एग्जाम में लड़ने के लिए इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार करना है, हेडिंग और थ्योरी के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है, कंप्यूटर क्या है, इसके भागों का वर्णन करो, और लॉजिक गेट्स क्या होता है इसको समझाइएगा, ट्रूथ टेबल भी आपको बताना है। ठीक है, ट्रूथ टेबल सहित बताना है आपके लिए। बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलने वाला है, वो हो जाता है डाटा तथा सूचना से आप क्या समझते हैं, डाटा सूचना से आप क्या समझते हैं, और जो डाटा हायरार्की होता है उसको आपको भी समझाना, डाटा हायरार्की को समझाइएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब एमएस वर्ड में मेल मर्ज की सुविधा आपको यहां पर बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपता हुआ दिख रहा है भाई, ठीक है, और आपको मिलने वाला है, तो वो हो जाता है वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, डॉक्यूमेंट तैयार करने में लेखन के आपको बताना है, और फॉर्मेटिंग में तथा प्रिंटिंग में इसका योगदान बता दो, और उपयोग क्यों भी आपको समझाना है इसके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई, देखने को मिलने वाला है छपर आपके एग्जाम में। जब ये होगा एग्जाम तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ भाई मिला था। आगे बढ़ते हैं, देखो ईडीआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के बारे में आपको बताना है, इसकी अभिप्राय करो, इसकी व्याख्या करो, इसे खुलकर लिखो, कुछ भी करो आपको लिखना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का व्यापार में सूचना, व्यापार में सूचना की आवश्यकताओं की पूर्ति के योगदान के लिए किया जाता है, इसके बारे में आपको समझाना है कि ईडीआई का व्यापार में क्या योगदान है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली कि ईडीआई का व्यापार में क्या योगदान है, तो भी आपको इसी बेस पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, इंटरनेट क्या है, www तथा वेबसाइट को समझाइएगा, इसकी लाभ और हानि बताइएगा, लाभ और हानि बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप गया भाई, छप गया आपके एग्जाम में, मिलेगा देखने के लिए। बात करते हैं आगे डीएनएस, डीएनएस के बारे में बताना है भाई, बोतल मत समझिएगा। ठीक है, डीएनएस क्या होता है, ये होता है डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करो भाई, खुलकर लिख दो खुलकर, क्योंकि हमने तैयारी तो कर रखी है, बस लड़ना ही लड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तैयारी करके जाना है एग्जाम में, बस लड़ना ही लड़ना है, ध्यान रखना, हेडिंग पर फोकस देना, थ्योरी तभी लिखना। ठीक है, बिना हेडिंग के फोकस, बिना हेडिंग के थ्योरी पर फोकस मत देना, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखा है सूचना प्रणाली नियंत्रण को समझाते हुए, इसकी सूचना प्रणाली के लिए नियंत्रण तथा लेखा परीक्षण की आवश्यकता आपको बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है कि सूचना प्रणाली नियंत्रण को समझाती है, सूचना प्रणाली नियंत्रण को आप समझाते हुए इसकी सूचना प्रणाली के लिए नियंत्रण तथा लेखा परीक्षण की आवश्यकता क्या होती है, इसको आपको खुलकर लिखना है। ठीक है, हेडिंग डाल डालकर आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया। ठीक है, इसको देखो, ये छप गया भाई, इंटरनेट में उपयोग आने वाले जो प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, मतलब जो FTP है, और टैलेंट मतलब HTTP है, उसको आपको समझाना है भाई, छप गया एग्जाम में, छप गया, देख लेना मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है, रेडियो टेलीफोन, रेडियो टेलीफोन होता क्या, इसके बारे में बताइएगा, सूचना तकनीकी के बुक प्रिंटिंग के बारे में, और डॉक्यूमेंट तैयार करने की, डॉक्यूमेंट करने आदि उपयोग के बारे में आपको यहां पर बताना है। ठीक है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बुक प्रिंटिंग तथा डॉक्यूमेंट तैयार करने आदि के उपयोग के बारे में यहां पर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तथा ईडीपी क्या है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में आपको बता देना है, ठीक है, होते क्या है इनके बारे में व्याख्या कर दीजिएगा, मतलब खुलकर लिखना है उसके बारे में, ठीक है। बात करते हैं ईडीपी क्या है, इसका उपयोग आपको बताना है। ईडीपी है क्या, इसका उपयोग आपको बताना है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटाबेस मैनेजमेंट, कोई बात नहीं मिला हुआ है, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब DBMS क्या है, इसका उपयोग बता दो भाई, छप गया है एग्जाम में, छप देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो होता है उसके बारे में आपको यहां पर देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा इसके तो अकाउंटिंग फाइनेंस बा मार्केटिंग फाइनेंस का उपयोग भी बताना है इसका, ठीक है। इसका अकाउंटिंग फाइनेंस तथा मार्केटिंग फाइनेंस में क्या उपयोग है यहां पर आपको भी बताना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है वो हो जाता है आईपी एड्रेस क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, और जोखिम प्रबंधन पद्धति जो होती है उसके बारे में आपको यहां पर खुल के लिखना है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है आंतरिक व्यवस्था लेखा प्रक्रिया। जो आंतरिक व्यवस्था लेखा प्रक्रिया है उसके बारे में इसकी परीक्षण श्रेणी की व्याख्या कीजिएगा, इसकी परीक्षण श्रेणी की आपको व्याख्या करना है। और लास्ट क्वेश्चन अपना हो जाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कम्यूटिंग के लाभ तथा इसकी उपयोग के बारे में आपको बताना है भाई। 10 से 12 क्वेश्चन है, इनसे इनको क्या करना है भाई, तैयार करना है एग्जाम में लड़ने के लिए, है ना, एग्जाम में लड़ने के लिए तैयार करना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, उसके बाद एग्जाम में लड़ने के लिए तैयार करना है इन क्वेश्चनों को, है ना, एग्जाम में लड़ने के लिए तैयार करना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बच ना पाए एग्जाम में, है ना, अगर क्वेश्चन बच गया तो समझ लेना, है ना, तो समझ लेना भाई बहुत बुरा हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं आपके लिए। अगर ये क्वेश्चन आपने तैयार नहीं किए तो एग्जाम में लड़ नहीं पाओगे, घुटने टेक दोगे। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना प्रेस, मतलब बेल आइकन को तोड़ फोड़ कर देना जो कि नोटिफिकेशन आपके घर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।